इस वीडियो में आप जानेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंतर्गत वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं डेस्कटॉप पर वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो उसके लिए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यानी वॉलपेपर बदल सकते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करें। एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से पर्सनलाइज पर क्लिक करें। ऐसा करते ही पर्सनलाइजेशन की विंडो ओपन होगी। इसमें आप नीचे की ओर डेस्कटॉप बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर कई तरह के पिक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं। आप इनमें से जिसे भी लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब इस विंडो को बंद कर दें। ये देखिए सिलेक्ट किया हुआ वॉलपेपर डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। आइए अब वापस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर चलकर अन्य ऑप्शंस भी समझ लेते हैं। यदि आपने कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव की हुई है और आप उसे वॉलपेपर के रूप में लगाना चाहते हैं तो वो ब्राउज की सहायता से लगा सकते हैं। अगर आप जो वॉलपेपर लगा रहे हैं उसकी पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो पिक्चर पोजीशन के नीचे दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। अब जिस तरह की पोजीशन चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। हम स्ट्रेच सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि यहाँ दिखाई दे रहे सभी पिक्चर्स एक एक करके एक निश्चित अवधि के बाद स्क्रीन पर आते रहें तो यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। देखिए ऐसा करते ही सभी पिक्चर्स सिलेक्ट हो गए हैं। अब यदि आप पिक्चर बदलने की अवधि यानी अगली पिक्चर कितनी देर बाद आए ये सेट करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज पिक्चर एवरी के नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्जी के अनुसार अवधि को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे 10 सेकेंड ही रहने दे रहे हैं। अंत में सेव चेंजेस पर क्लिक करें और विंडो को बंद कर दें। देखिए हर 10 सेकेंड में डेस्कटॉप की स्क्रीन बदल रही है। अब यदि आप डेस्कटॉप पर पहले की तरह एक ही वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो वापस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाएं और यहाँ क्लियर ऑल पर क्लिक करें। देखिए सभी पिक्चर्स से सिलेक्शन हट गया है। अब अपनी पसंद का कोई भी चित्र सिलेक्ट कर लें, फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। ये देखिए पहले की ही तरह एक वॉलपेपर सेट हो गया है। चलिए अब आपको बता देते हैं स्क्रीन सेवर क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। जब कंप्यूटर में हम अधिक समय तक कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर में जो काम कर रहे थे उसी का चित्र बना रहता है यानी स्क्रीन रिफ्लेक्ट होता रहता है और इससे कंप्यूटर का फोकस एक ही जगह पर केंद्रित रहता है। इसके कारण कंप्यूटर की स्क्रीन के जलने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए स्क्रीन सेवर का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन सेवर ऐसी चलती फिरती आकृतियां होती हैं जो कंप्यूटर के फोकस को चेंज करती रहती हैं, जिससे कि कंप्यूटर की स्क्रीन के जलने का खतरा ना हो। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर लगाते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें। एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें पर्सनलाइज पर क्लिक करें। ऐसा करते ही पर्सनलाइजेशन की विंडो ओपन होगी। इसमें आप नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन स्क्रीन सेवर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही स्क्रीन सेवर सेटिंग की विंडो आ जाएगी। इसमें स्क्रीन सेवर के नीचे दिखाई दे रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी। इसमें आप अपनी पसंद के स्क्रीन सेवर पर जाकर क्लिक करें। हम 3D टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऊपर उसका प्रीव्यू यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब सेटिंग पर क्लिक करके इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। कस्टम टेक्स्ट में आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। हमने टाइप किया सुफलाम।
आप इस स्क्रीन पर और जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। यहां से आप रोटेशन का टाइप बदल सकते हैं। यहां से आप टेक्स्ट के रिजोल्यूशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा आप टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां से आप रोटेशन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ जरूरी चेंजेस करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये स्क्रीन सेवर आपके कंप्यूटर पर कैसा दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए प्रीव्यू पर क्लिक करें। अब इससे बाहर आने के लिए माउस को थोड़ा सा हिला दें या क्लिक कर दें। यहां पर आपको स्क्रीन सेवर चलाने के लिए कोई अवधि निश्चित करना होगी, यानी कोई ऐसा समय निर्धारित करना होगा जिससे उस निर्धारित समय तक जब कंप्यूटर पर कोई काम ना हो रहा हो तो स्क्रीन सेवर चलने लग जाए। वो अवधि हम वेट में दे सकते हैं। हम एक मिनट ही रहने दे रहे हैं। अब अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। ये देखिए, ऐसा करने से जब हम कंप्यूटर में एक मिनट तक कोई काम नहीं कर रहे थे तो स्क्रीन सेवर अपने आप चालू हो गया है। और अब जैसे ही आप वापस कंप्यूटर पर काम करने के लिए माउस से क्लिक करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे, स्क्रीन सेवर चला जाएगा और आपको कंप्यूटर उसी स्थिति में मिल जाएगा जिसमें आपने छोड़ा था। अब यदि आप चाहते हैं कि स्क्रीन सेवर चलने के साथ ही स्क्रीन भी लॉक हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर से स्क्रीन सेवर पर क्लिक करके यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा और फिर अप्लाई पर क्लिक करना होगा और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ऐसा करने से जब हम कंप्यूटर में एक मिनट तक कोई काम नहीं कर रहे थे तो स्क्रीन सेवर अपने आप चालू हो गया है। अब आप वापस कंप्यूटर पर काम करने के लिए माउस से क्लिक करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन लॉक मिलेगी। और स्क्रीन लॉक को खोलने के लिए यदि आपने कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डाला हुआ होगा तो वो डालना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना होगा। यदि कोई पासवर्ड नहीं डाला होगा तो एडमिन लॉग्ड पर माउस से क्लिक करना होगा। हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला है, हम एडमिन लॉग्ड पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। देखिए, हमने जिस स्थिति में कंप्यूटर छोड़ा था वो उसी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। यदि आप कंप्यूटर से स्क्रीन सेवर हटाना चाहते हैं तो पहले स्क्रीन सेवर पर क्लिक करें और अब यहां नन सिलेक्ट करें। और यदि आप स्क्रीन लॉक भी हटाना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को अनचेक करें, अप्लाई पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। ऐसा करने से स्क्रीन सेवर और स्क्रीन लॉक दोनों हट जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर के बारे में।